नमस्कार, मैं उद्धव कृष्ण, आप न्यूज़ 18 लोकल देख रहे हैं। मुश्किलों भरे सफ़र में हर डगर को अदम्य साहस से पार करते हुए डॉक्टर गुरु एम रहमान अब इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। हजारों लाखों बच्चों का भविष्य संवारने वाले गुरु रहमान पर कभी गोली भी चल चुकी है। आज उनकी ही कहानी हम उनकी जुबानी सुनेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 18 पर। मेरा नाम मूल रूप से मेरा पूरा नाम मोतीउर रहमान खान है और मेरा मूल घर औरंगाबाद हुआ, औरंगाबाद बिहार के औरंगाबाद, और रोहतास मेरा हुआ आपको ननिहाल। मैंने बनारस से पटना से शिक्षा ग्रहण किया, कुछ शिक्षा डेयरी उनसुल से भी किया मैंने शिक्षा ग्रहण किया, और आज मैं तीन विषय में मैं हूँ। दो विषय में डॉक्टरेट है मेरा और एक डॉक्टरेट मुझे थावे विद्यापीठ से भी प्राप्त हुई है। बस तो मेरी ज़िंदगी का कभी कभी कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं शिक्षक बनूंगा और शिक्षक बन के लोगों का कल्याण करूंगा, ये करूंगा, ये मेरी सोच नहीं थी, क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी कि वर्दी का हक हमको सुनाई दिया था शुरू से लेकर जब तक बड़े बड़े हुए। लेकिन जीवन में कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ परिवर्तन प्रारब्ध होते हैं मुझे लगता है, तो उसी प्रारब्धता के तहत मुझे MA पार्ट वन में ही व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर UPSC मुझे प्यार हो गया। और कहने में तो संकोच नहीं मैं करता हूँ, क्योंकि मैंने प्यार को बहुत अच्छे ढंग से जीने का प्रयास किया है। प्यार हो गया और प्यार हुआ तो मुझे ये तो पता था कि सामने वाली हिंदू है और उसको ये पता था कि मैं मुसलमान हूँ, चूँकि हमको खान भाई कहती थी शुरू में, इसलिए हमको दिक्कत होता था कि अरे खान कहो, खनवा कहो, पगला कहो, कुछ भी कहो, लेकिन भाई मत कहो। तो इस मोहब्बत को मैं धर्म के नाम पर या जात के नाम पर तोलता हुआ नहीं देखा मैंने देखा। और इसी क्रम में चूँकि ये बात हम लोग के लिए तो एक बहुत एक त्याग की बात थी, बाद में मैडम ने कहा कि मुस्लिम चार विवाह करते हैं, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे हिसाब से विवाह करूँगा, इसलिए अरे हिंदू रीति रिवाज से विवाह हुई। उसके बाद मैडम ने कहा कि मेरा बाल बच्चा होगा तो उसका नाम आप अपने हिसाब से रखेंगे, उसका अगर बेटा हुआ तो खतना नहीं कराएंगे, खतना समझ रहे हैं, खतना नहीं कराएंगे। तो मैंने कहा कि चलो डन। तो वो सब होने के बाद मैडम तैयार हुई और हम लोग विवाह के बंधन में बंधे, लेकिन 7 साल तक अलग अलग रहे एक दूसरे से। लेकिन अप्सरा सिनेमा के पास और काली मंदिर के पास दूर से गोली चली, अप्सरा सिनेमा के पास गोली चली तो मैं भाग के आया था। उस समय सीनियर SP का आवास यहाँ हुआ करता था, जो अभी डिस्ट्रिक्ट जज का आवास है। तो रूम पर अंतिम बार गोली चली थी, जो रूम पर ही चली थी, और बजरंग बली के साक्षात आशीर्वाद से मैं बच गया, मुझे ऐसा लगता है, दुनिया जो सोचे। उसके बाद 2004 में 1510 दरवा की बहाली है, और ये दरवा की बहाली नहीं थी अभी तो मेरे जिंदगी में परीक्षण के बाद कुछ नया होने जा रहा था जो प्रारब्धता के हिसाब से। और ये बहाली 2004 में निकली, 26 अप्रैल 2008 तक हुई, और 4 साल तक मैंने बिहार के पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव के उन लड़कों को देखा जिनके यहां चूल्हा जलना बड़ी मुश्किल से जलता है, रईसों को भी देखा, लेकिन वैसे लड़कों को देखा कि जो सब्जी ढोता हो 900 रुपया महीना पर। अद्भुत अद्भुत रिजल्ट, ऐसा हर जात में, हर धर्म में, बैकवर्ड में, फॉरवर्ड में, SC में, ST में, मुस्लिम में, सब में। मुझे पता नहीं था कि 2004 में मैं लगूंगा, 2009 में फ्री होऊंगा, तो पहले वाला रहमान जिसका सपना था कि कोई ना कोई नौकरी हो जाए, हम लोग कहीं बस जाए, वो उसका सपना रहेगा ही नहीं। आई फेल्ड UPSC इंटरव्यू, BPSC इंटरव्यू, लेकिन एक बार में एक ही काम होता है, या तो प्यार करो या पढ़ाई की तैयारी। 2009 में लास्ट में लड़के निकल के आए ट्रेनिंग से, और पूरे गांव से, हर जगह से, लड़का लफुआ था, क्रिमिनल था, उसको थानेदार वहां पकड़ के बोला जब अगर हम आंसर पास पढ़ो, तो वहां गुरुजी भेज रहे हैं इसको, जरा पढ़ा दीजिएगा। और 2009 के बाद तो मेरी दिशा और दशा नौकरी के ऊपर नहीं रही, बच्चों के साथ भीड़ रही, करीब हजारों की संख्या में दारोगा, 167 DSP, 10-10 IPS, 9-9 DM, अब वो सैकड़ों FDO, विभिन्न सिपाही 10,000 से ज्यादा, और रेलवे में तरह तरह के जॉब में आपको CPO में 450 सब इंस्पेक्टर, GD 3,000 से ज्यादा, जो सच में गरीब थे, आज जिन्होंने गरीबी का विकल्प लाचारी ना देखकर गरीबी का विकल्प कामयाबी देखा,
और जो मेरी बात पर चले कि चोट धर्म 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 मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड छोड़ो, अब कलम 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 करो, क्योंकि जिस दिन कलम कलम करना शुरू कर दिए उस दिन भारत विश्व गुरु अपने आप बन जाएगा। सबसे बड़ी खुशी तब होती है जिस वक्त में मैं पढ़ा रहा हूँ, उस वक्त से 200 बच्चा रहता था तो एक दो गो लड़की रहती थी, और आज के डेट में मैं देखता हूँ कि अगर 1000 बच्चों का बैच है तो अगर 600 लड़का है तो 400 बेटियाँ हैं। इसका मतलब कि सब लोग पढ़ रहा है, और मैं कहता भी बच्चों को हूँ कि कलम किसी के बाप की बहुती नहीं है, और बिना कलम के किसी भी तरह का परिवर्तन बम बारूद हिंसा से संभव नहीं है। अपनी वजूद अपनी तकदीर अपनी तस्वीर को बदलने के लिए तुमको कलम उठाना पड़ेगा, क्योंकि कलम से सशक्त कोई हथियार नहीं है। और इंसान को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बैकवर्ड फॉरवर्ड बनने से पहले इंसान बनना होगा, इस आदर्श को लेकर चलना है। और मैं आपको बता दूं कि हम पर एक बायोपिक भी लिखी जा रही है, एक्टर एक्ट्रेस का नाम न लेना मजबूरी है मेरी, तो उसमें भी मेरे प्रेम पर आधारित फिल्म है इंटरवल तक, लेकिन इंटरवल के बाद उन तमाम संघर्ष की कहानी है जिस संघर्ष के बल पर हजारों ऐसे गरीब अनाथ बच्चे आज सफल होकर ऑफिसर के पद पर तैनात। कहावत ही है कि अगर पत्थर उछालिए थाना में तो बजरंग बली कृपा से जिस दरोगा को लगेगा और उसके सामने बोलेगा उड़ता वही जो फड़फड़ाता है, तो बोलेगा कि गुरु रहमान सर को आप कैसे जानते हैं। ये बजरंग बली का आशीर्वाद है। एक परिवर्तन लाने की चाह में मैं, मेरी पत्नी अमिता कुमारी, मेरी बेटी अदम्य आदिति, मेरा बेटा अभिज्ञान अर्जित, मेरे छोटे भाई मुन्ना भाई डायरेक्टर अदम्य आदिति एम सिविल सर्विस के, और चंदन जो हैं बाजार समिति क्षेत्र के तमाम संस्थान के हमारे डायरेक्टर हैं, उनके साथ मिलकर एक नया परिवर्तन लाने की ओर अवसर है, और निश्चित रूप से कलम के बल पर क्रांति लाएंगे। देखिए, तो आपने देखा हमारे साथ डॉक्टर गुरु एम रहमान थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी पूरी जीवन यात्रा रही, और अब जो है उनके जीवन पे बायोपिक भी आ रही है, जल्द ही आ रही है, जिसका सभी को इंतजार है। आप देख रहे थे न्यूज़ 18, न्यूज़ 18 के लिए उद्धव कृष्ण, पटना।